G20 समिट में भारत को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, हमारी टीम के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर अहम सहमति बनी है। ये रिपोर्ट देखिए। घोषणा पत्र की अहम बातें, सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे। भारत की पहल पर भारत फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा, बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। इसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी, उन्हें बेहतर, बड़ा और ज्यादा कारगर बनाया जाएगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत की जाएगी। कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने को लेकर भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की बात पर जोर दिया है। दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड दिया जाएगा। ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। देश की राजधानी नई दिल्ली में G20 समिट जारी है। पीएम मोदी ने जानकारी दी कि नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति बन गई है। पीएम मोदी ने बताया, हमारे टीम के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई है। 9 सितंबर को जब G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई तो सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक पहला सत्र वन अर्थ पर आयोजित किया गया। इसके बाद वन फैमिली पर दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 4:45 तक चला। पीएम मोदी ने कहा कि एक अच्छी खबर मिली है, हमारी टीम की कड़ी मेहनत और सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 नेतृत्व घोषणा पर सहमति बन गई है। मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि नई दिल्ली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की घोषणा पर आम सहमति बन गई है। पीएम मोदी ने कहा, इस अवसर पर मैं अपने शेरपा मंत्रियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और इसे संभव बनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह भी तय हुआ है कि खाद्य सुरक्षा, पोषण और प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर ध्यान दें। एक भावी गठबंधन के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह भी तय हुआ है कि खाद्य सुरक्षा, पोषण और प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर ध्यान दें। एक भावी गठबंधन के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 घोषणा पत्र में परिवर्तन, डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ प्रौद्योगिकी की समावेशी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। G20 ने भारत को विश्व के लिए तैयार करने और विश्व को भारत के लिए तैयार करने में योगदान दिया है। G20 को लेकर हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत की G20 अध्यक्षता ने ऐसे समाधान तैयार किए हैं जो प्रत्येक सदस्य के साथ मेल खाते हैं और सभी के लिए शेयर किए जाने वाला पाथ सामने रखता है। उन्होंने कहा, बड़े, बेहतर और अधिक प्रभावशाली बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिए G20 में समझौता हुआ। G20 वित्त ट्रैक पर उन्होंने कहा कि क्रिप्टो एसेट्स पर स्पष्ट नीतियों के लिए वैश्विक प्रयास में तेजी आई है, इसे लेकर वैश्विक सहमति उभर रही है। G20 घोषणा पत्र में यूक्रेन संघर्ष को लेकर कहा गया, हमने UNSC और UNGA में अपनाए गए अपने राष्ट्रीय पदों और प्रस्तावों को दोहराया। हमारे पास बेहतर भविष्य बनाने का अवसर है। किसी भी देश को गरीबी या किसी अन्य देश में लड़ने के बीच चयन नहीं करना चाहिए। हम लैंगिक अंतर को कम करने, इसके साथ ही प्रभावी महिलाओं को पूर्ण व समान रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्णय निर्माताओं के रूप में अर्थव्यवस्था में भागीदारी भी तय करने का प्रतिबद्ध है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।